जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एरीज यानी मेष राशि के सितंबर के मंथली राशिफल के बारे में कि सितंबर के महीने में 9 घटनाएं लगभग एरीज यानी मेष राशि के जीवन में घटित हो रही है, वो 9 घटनाएं क्या है, इसके लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको देखना होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सितंबर के महीने में कैसी रहेगी मेष राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके हेल्थ की स्थिति और उनके संतान की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की स्थिति और व्यापारिक क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मेष राशि वालों को मैं बताना चाहता हूँ, ये मेष राशि की कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं गुरु और राहु लगन में ही बैठे हैं सितंबर के महीने में, शुक्र चतुर्थ भाव में थोड़े वीक हो रहे हैं। अब ये क्या रिजल्ट देंगे, लेकिन ये वक्री हैं तो ये क्या रिजल्ट देंगे सितंबर में मेष राशि वालों को, अच्छा देंगे बुरा देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओहो, बुध आदित्य योग पंचम भाव में बैठा है, ये जबरदस्त योग है, कम समय के लिए बन रहा है लेकिन आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। मंगल देखा जाए तो छठे भाव में बैठे हैं, वीक बैठे हैं, शत्रु राशि अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, ये परेशान करेंगे। केतु सप्तम स्थान के अंदर बैठे हैं और सप्तम स्थान के अंदर थोड़ा केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसी प्रकार से शनि देखा जाए तो 11वें में बैठे हैं, जहाँ आप 11वां देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हैं, सस योग बना रहे हैं। और चंद्रमा 12वें में बैठे हैं और 12वें स्थान के स्वामी चंद्रमा नहीं होते, चंद्रमा मनसो जाता कहा जाता, चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है। अब ऐसे में क्या स्थिति होगी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पहली घटना सितंबर के महीने में चर्चा करें तो ये देखिएगा, गुरु और राहु कहीं ना कहीं आपके सितंबर शुरू होते ही आपके ही राशि में बैठेंगे, यानी 1 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक, यानी 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, ये जो 3 दिन है ना मेष राशि की हेल्थ के लिए भारी हैं। ये जो 3 दिन है सर दर्द की परेशानी आपको रह सकती है, रात को नींद की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। ये 3 दिन जैसे ही सितंबर शुरू होगा ये 3 दिन आपके लिए भारी रहेंगे, या आपका कोई आर्थिक नुकसान, कोई वस्तु इन 3 दिन में चोरी हो सकती है, यानी मूड ऑफ रहेगा, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ इन 3 दिन मिलेगी। 4 तारीख के बाद से गुरु हो जाएंगे वक्री, यानी कि गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अचानक देखा जाए आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, ठीक है ना। दूसरा, आपका ध्यान अध्यात्म की ओर जाने लगेगा, आप किसी ज्योतिषी का कोई मंत्र जाप करेंगे, किसी गुरु का कोई मंत्र जाप करने लगेंगे, कोई जिम, कोई योगा को फॉलो करने लगेंगे, यानी कि अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, चाहे मेंटल हेल्थ है चाहे फिजिकल हेल्थ है, सितंबर में आप बड़े ललायित रहेंगे, बड़े प्रयासपूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता सितंबर के महीने में आपके साथ में रहने आएंगे, या माता पिता से आपके संबंध सुधर जाएंगे, माता पिता से जो रिलेशन बिगड़े हुए हैं, वाद विवाद चल रहा है वो दूर होगा, या आप ही माता पिता के घर रहने जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक हेल्थ आपकी वेल एंड गुड रहेगी, हेल्थ में आप अच्छे प्रयास करेंगे, सबसे बड़ी बात माता पिता से संबंध अच्छे हो रहे हैं। सेकेंड घटना के बारे में मेष राशि के बारे में बात करें, और आप राशिफल देखते हैं, मंथली राशिफल देखते हैं लेकिन आप चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, साथ ही साथ आप फेसबुक में भी देखते हैं, आप चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ फॉलो कर लें। चलिए दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना होगी आपके फाइनेंस पे, यानी धन के स्थिति के लॉर्ड कौन है, शुक्र, और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, हालांकि ये कर्क राशि में अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, ऐसे में तो खराब ही रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये वक्री है, वक्री निर्बल ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है, यानी कि देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 10 सितंबर तक याद रखिएगा धन के छोटे मोटे खर्चे मेष राशि के साथ में लगे ही रहेंगे। कभी देखेंगे कि 1 तारीख को आपका वाहन एकदम से खराब हो गया, फिर 3 तारीख को आपका एसी खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, घर के अंदर बिजली के उपकरण खराब हो गए, फिर 5 तारीख को बिजली का कुछ खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं 10 तारीख तक कुछ ना कुछ आपके घर में आपके साथ में लगा ही रहेगा। और ये जो घटनाएं का ब्रेक होगा वो 11 सितंबर के बाद होगा, 11 सितंबर से लेकर
30 सितंबर तक देखा जाए तो शुक्र जो चतुर्थ में बैठे हैं अचानक धन में आपके वृद्धि होगी। अब धन में वृद्धि कैसी होगी, कोई आपको बड़ी डील काम में मिल सकती, कोई ऐसा काम जान पहचान से मिल सकता है मेष राशि वालों को जो एडवांस में अच्छा खासा धन देंगे। कुछ मेष राशि वाले शेयर या इन्वेस्टमेंट में धन इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी इनको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुछ आपका धन खर्च ऑनलाइन कोर्सेज पे भी होगा, यानी कुछ ना कुछ आप ट्रेडिंग मार्केट से संबंधित कुछ सीखने वाले हैं और उससे आप अपनी भी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ नया छोटा मोटा आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, यानी कि धन कमाने के लिए सितंबर में कोई एक आइडिया आपका जीवन बदल सकता है। एक आइडिया आने वाला है सितंबर के महीने में, वेट एंड वॉच करें। तीसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, जैसा मैंने बताया यहाँ पर शुक्र वक्री बैठे हैं, तो सितंबर के महीने में परिवार से संबंध अच्छे नज़र आ रहे हैं। माता पिता से चाहे संबंध हो, भाई बहन से चाहे संबंध हो, चाहे आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर चल रहे हैं उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट सितंबर में एक ऐसा मौका भी आपको मिलेगा कि परिवार के साथ में किसी मांगलिक या किसी सामाजिक समारोह में जाने का, किसी रिश्तेदार के मांगलिक काम में जाने का मौका भी आपको मिलेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के अंदर छोटे मोटे काम भी आप कराने वाले हैं, जैसे बाथरूम में कुछ खराबी है तो उसको ठीक कराने वाले हैं, किचन में कुछ खराबी है तो उसका ठीक कराने वाले हैं, यानी लकड़ी टाइल या बाथरूम की फिटिंग का छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम आपके घर में होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी परिवार में आपका देखा जाए तो सितंबर में अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य और बुध आपके पंचम में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। जैसा मैंने बताया था बुध आदित्य योग कुछ ना कुछ देखे जाता है जब अगर आपका केंद्र त्रिकोण में बनता है। आपका अगर देखा जाए मेष राशि वालों के तो त्रिकोण भाव में बुध आदित्य योग सितंबर में बन रहा है, तो 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए एक तो आपके अंदर देखा जाए तो कोई नया शौक जागृत होगा, या तो आप कुछ खेलने वाले हैं, स्टेडियम में जाने वाले हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हैं, यानी अपने को या अपनी हेल्थ को बिजी रखने के लिए आप पुरानी एक्टिविटी को दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कुछ लोग खेलते होंगे उन्होंने छोड़ दिया होगा तो खेलने वाले हैं, कुछ लोग डांस करते होंगे तो उन्होंने छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी फॉलो करने वाले हैं, अपने मन का कुछ ना कुछ आप फॉलो करने वाले हैं। साथ ही साथ पंचम भाव संतान का भी होता है मित्रों, तो संतान के लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आपकी बड़ी संतान है, 16 से बड़ी संतान है, तो संतान की जो मेहनत संतान कर रही है उसके लिए उसको कोई एप्रिसिएशन मिलेगा, टीचर उनकी तारीफ़ करने वाले हैं या फिर प्रोफेसर उनकी तारीफ करने वाले हैं, या उनकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखकर सितंबर में आप खुश हो जाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपकी छोटी संतान है, 1 साल से लेकर और 16 से छोटी संतान है, तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपने उसमें डाला हुआ है बच्चों को, तो वहाँ पर कोई उनके परफॉर्मेंस, कोई अवार्ड उनको सितंबर के महीने में मिल सकता है, कोई अच्छा सर्टिफिकेट उनको मिल सकता है उनके योगदान के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो सितंबर का महीना आपकी संतान के लिए और आपके शौक के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक संतान को ठंडी चीज़ जैसे आइसक्रीम, फ्रिज का पानी पीने से रोके रोके रोके, नहीं तो उनको ENT की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम 1 से लेकर 15 तारीख तक हो जाने वाली है, तो आपको रोकना है, याद रखें। और पांचवी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो सितंबर में जो पांचवी घटना आ रही है इसका इफेक्ट स्टूडेंट विद्यार्थियों पे पड़ने वाला है। पहला चीज, सितंबर के महीने में बुध आदित्य योग बन रहा है, पंचम भाव में बन रहा है और मेष राशि वाले यदि स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं देखा जाए विद्या में आपका मन लगने वाला है और कहीं ना कहीं पिता से और आपके टीचर से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने सरकारी कार्यों में अप्लाई किया है तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके करियर में सुनाई देगी या आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। साथ ही साथ माता पिता से आपको कोई गिफ्ट, कोई उपहार भी मिल सकता है सितंबर के महीने में। यानी विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। सितंबर के महीने में मित्रों के साथ में आप
हिल स्टेशन, नदी, पहाड़ों की यात्रा भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के सितंबर का महीना स्टूडेंट के लिए यादगार महीना है, यानी हर चीज़ में परफॉर्मेंस ठीक है। बात करें छठी घटना के बारे में, तो मेष राशि वाले जो नौकरी करते हैं उन पर ही एप्लीकेबल है, जो भी जॉब करते हैं। तो जॉब में भाई सितंबर का महीना दो भागों में बंटने वाला है। पहला 1 तारीख से 11 सितंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी से ऑफिस में आपके वाद विवाद हो सकते हैं, कलीग से वाद विवाद हो सकते हैं, या क्लाइंट से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। मामला कुछ ज़्यादा गंभीर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी कंप्लेंट हो सकती है, आपके खिलाफ FIR हो सकती है, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, या आपको मैनेजमेंट से कोई लताड़, कोई डांट मिल सकती है। तो 11 सितंबर तक आपको क्रोध में नियंत्रण करना है। कोई भी स्थिति अगर भयंकर जा रही है क्लाइंट के साथ, मित्रों के साथ में, उसको कंट्रोल में लेके आना है, नहीं तो स्थिति और भयंकर जा सकती है, इसलिए आपको उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। 12 तारीख के बाद देखा जाए, 12 से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति आपकी सही होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉस या सीनियर द्वारा आपकी तारीफ की जाएगी, आपको नया काम दिया जाएगा, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। आपके किए गए काम के लिए, ये घटना तो बात की बात है, लेकिन आप जो काम करते आ रहे हैं उसके लिए आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान भी मिल सकता है। और 12 तारीख के बाद अगर आपने गुस्सा नहीं किया, धैर्य से काम किया, तो बड़ी डील भी आपको मिल सकती है। बस ये याद रखिएगा, जो भी नौकरी कर रहे हैं आपको धैर्य से काम लेना है सितंबर के महीने में, याद रखिएगा। अब बात करें दाम्पत्य जीवन की, यानी वैवाहिक सुख की, तो दाम्पत्य सुख में अगर देखा जाए ये 7वीं घटना है। सप्तम भाव में केतु बैठा है, यानी कि दाम्पत्य सुख भी दो भागों में बढ़ता है मित्रों। पहला हम बात करेंगे प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में, तो उनका सितंबर का महीना दो भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक अगर देखा जाए तो जो आपका पार्टनर है उनको वाहन से हल्का चोट लग सकती है, या वाहन से हल्का एक्सीडेंट हो सकता है, डेंट वाहन पे पड़ सकता है, उनको भी चोट लग सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के मित्रों से या पड़ोसियों से या फिर रिश्तेदारों से वाद विवाद सितंबर के महीने में, खासकर 13 सितंबर तक ज़्यादा रहने वाले हैं। आपके पार्टनर को इन्फेक्शन की, फोड़े फुंसी की समस्या भी 13 सितंबर तक रहेगी, यानी 13 सितंबर तक आपका पार्टनर परेशान रहेगा। 14 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए ये स्थिति नॉर्मल है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके द्वारा पार्टनर को कोई गिफ्ट दिया जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप और पार्टनर कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। कुल मिला के 14 के बाद स्थिति रिलेशन के लिए अच्छी है। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक देखा जाए तो पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी रहेगी, वो आपको सुनाने वाला है, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट आपका पार्टनर आपको देने वाला है। यानी देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक पति पत्नी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, परिवार में कुछ अच्छी घटनाएं भी घटित होंगी जिसकी न्यूज़ आपको पता चलेगी। 14 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, आपका रिलेशन पार्टनर से नॉर्मल है, पर पार्टनर को फिसलने से हल्की चोट लग सकती है या किसी जानवर से हल्का भय रह सकता है कहीं ना कहीं 14 तारीख से 30 सितंबर के बीच में, हालांकि रिलेशन नॉर्मल है। अब बात करते हैं 8वीं घटना की, जो मेष राशि के जीवन में होगी, वो होगी व्यापारियों के लिए जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में शनि सच योग बना रहे हैं। यानी पूरा सितंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए काम में अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है, रुकी हुई डील भी अच्छी होने वाली है, आपके कार्यों का आपका और कर्मचारियों के प्रति बाउंडेशन भी अच्छी आने वाली है, यानी कर्मचारी आपकी बात मानेंगे और आपका काम जल्दी से जल्दी निकाल के देंगे। तो कुल मिला के सितंबर का महीना जो भी अपना काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। बात करें 9वीं घटना की, तो 9वीं घटना में देखा जाए तो चंद्रमा, जैसा मैंने कहा चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12वें जो चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा माता पिता के कारक भी होते हैं,
तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में माता पिता किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, चार धाम यात्रा में जा सकते हैं, नहीं तो विदेश यात्रा में जा सकते हैं। तो कुल मिला के माता पिता के तीर्थ यात्रा, चारधाम यात्रा या विदेश जाने के योग बनते हैं सितंबर के महीने में। तो मित्रों ये था सितंबर का मंथली राशिफल। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।